मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महादलित हत्या वाले बयान के महज कुछ ही घंटे बाद पूर्णिया में दो महादलित की हत्या हो गई, वहीं तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दरअसल पूर्णिया जिला के बनमनखी अनुमंडल क्षेत्र के जानकी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चांदपुर भंगा पंचायत के ठाकुर पट्टी गांव वार्ड नंबर 4 में कल देर रात कुछ अपराधियों ने चांदपुर बहंगा निवासी अनमोल ऋषिदेव उम्र 35 साल एवं सुबोध ऋषिदेव उम्र 45 वर्ष को गोली मारकर फरार हो गए। गोली लगने से उन लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि तीन बड़ी गाड़ी से 25 से 30 की संख्या में हथियार बंद अपराधी आए और घरों में घुसकर सभी के साथ मारपीट की, फिर घर से निकलकर सभी के साथ मारपीट की, उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग कर दो महादलित की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए जिनका इलाज पूर्णिया सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हालांकि पूरा मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है और सुपारी देकर हत्या करवाने की बात भी कही जा रही है। इस मामले में 10 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।